गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले क्लास में काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोग पढ़े थे। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में कि नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर का आपको टॉपिक है, जो आपको पढ़ना है, वह टॉपिक का नाम है क्या? प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन। यानी आज हम आपको, आज इस क्लास में जो बताने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है? क्या नाम है जी, बोलो। त्रिभुज में देखो क्या नाम है? द प्रोनाउन। तो हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आपका टॉपिक है, द प्रोनाउन, पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन। क्या है टॉपिक जो है आपका? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का स्पेलिंग क्या होता है? प्रोनाउन का स्पेलिंग क्या होता है? पी, प्रोनाउन का स्पेलिंग क्या होता है? पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है हम लोग? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स इसका हिंदी होता है सर्वनाम, सर्व नाम। क्या हिंदी हो गया? सर्वनाम। प्रोनाउन का स्पेलिंग क्या होता है? पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। अब हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? हम लोग प्रोनाउन के डिफिनेशन पर आते हैं। डिफिनेशन, डिफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन होता है, क्या होता है? अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन is a word, is a word, comma, we use in, I am in place, P-L-A-C, place of a noun, क्या हो गया? A noun, N-O-U नाउन। आपका क्या है? प्रोनाउन का डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है? प्रोनाउन का। यह प्रोनाउन का डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन इस परिभाषा? हम लोग प्रोनाउन का डिफिनेशन देखेंगे। और प्रोनाउन पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज सर्वनाम। प्रोनाउन इज आई एस इज अ वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी, वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? सब। प्रोनाउन क्या होता है? सब। वी यूज, डब्ल्यू ई वी यूज, द यू एस ई यूज, इन आई एन इन, प्लेस पी एल ए सी ई, प्लेस। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। यूज मतलब क्या होता है? उपयोग करना। ऑफ अ नाउन यानी संज्ञा। नाउन मीन्स क्या हो गया? संज्ञा। क्या हो गया? डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। प्रोनाउन is a word we use in place of a noun. यह आपका क्या है? प्रोनाउन का डिफिनेशन है। प्रोनाउन मीन्स हो गया, आप जानते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स हो गया आपका सर्वनाम। वर्ड मीन्स क्या हो गया आपको? वर्ड मीन्स आपका हो गया सब। वी मतलब हम लोग, यूज मतलब उपयोग या प्रयोग, उपयोग या प्रयोग होता है, ठीक है, या प्रयुक्त होता है। प्लेस मतलब स्थान, प्लेस मतलब स्थान। और नॉन मतलब आप तो जानते करते हैं, आप लोग जानते हैं, नॉन मीन्स संज्ञा, ठीक है। यानी कहता है प्रोपर नाउन, सॉरी प्रोनाउन का डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द, प्रोनाउन क्या है? वह शब्द है। व्हाट मीन्स शब्द? प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन, जो किसी नाउन, क्या, जो किसी नाउन के बदले क्या होता है?
नाउन के स्थान पर यानी नाउन के बदले स्थान होता है, नाउन के स्थान पर क्या क्या आता है, हम लोग उसके नाउन के स्थान पर क्या करते हैं, वी यूज, हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वी यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कैसे कहते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी नाउन के बदले, जो किसी नाउन के बदले या नाउन के स्थान पर, जैसे मतलब यहाँ पर तो स्थान दिया है, बदले भी नाउन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, वी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, क्या हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, देम, मी, देयर, माय, हिज, आर, क्या है, आर, प्रोनाउंस, ये सब क्या है, प्रोनाउंस, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं, यानी ये सब क्या आपका सर्वनाम है। डिफिनेशन का ये जो आई जो है, आई हम लोग क्या करते हैं, नाउन के बदले प्रयोग करते हैं, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, देम, मी, देयर, माय, हिज, आर, प्रोनाउंस, यानी जितने भी ये दिए गए एग्जांपल से, ये सब क्या है, एक प्रोनाउंस है जो क्या होते हैं, एज ए नाउन ऑफ प्लेस, नाउन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, वी यूज करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी नाम, किसी नाम का दिया गया, जैसे राम, राम इज ए, क्या होता है, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पर राम का प्रयोग करते हैं, और राम के बदले जो प्रयोग किया जाता है, राम क्या है आपका नाम है, लेकिन राम के बदले जो हम लोग सर्वनाम में वी यूज करते हैं, वह यूज करते हैं किस चीज का, ही का, इसका उपयोग करते हैं, ही का, यानी जैसे बोलते हैं राम इज माई फ्रेंड, यहाँ पर राम न बोलकर हम आगे क्या बोलते हैं उसी के बारे में, ही रीड्स इन माई क्लास, वह जो है मेरे क्लास में क्या करता है, पढ़ता है, यानी राम का बदले कहाँ पर, यहाँ पर बोले ना, जैसे कि हम लोग इस वर्ड का प्रयोग नाउन के बदले करते हैं, उसी वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि राम एज ए नाउन, राम का जो उसके बदले में जो उसके स्थान पर जो वर्ड का हम लोग उपयोग किए, जिस वर्ड का उपयोग किया वह कौन सा है, ही, यानी ही आपका क्या हो गया, ही एज ए प्रोनाउन हो गया। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं सेंटेंस के जरिए कि जैसे कहा उसका प्रयोग होता है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस हम बताते हैं, जैसे यहां पर हम लोग सेंटेंस लिखा, अनु, अनुराग इज माय, क्या हो गया, फ्रेंड, अनुराग इज माय फ्रेंड, अब हम लोग ही इज प्लेइंग, इज प्लेइंग क्रिकेट, सी आर आई सी ए ई टी, यानी कहता है अनुराग इज माय फ्रेंड, अनुराग जो है मेरा दोस्त है, तो अनुराग के बदले कहां पर है, मेरा, माय, माय भी यहाँ पर क्या हो गया, एज ए प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इसी सेंटेंस में, यहाँ अनुराग भी लिख सकते थे, अनुराग भी इस सेंटेंस में लिख सकते थे, यहाँ जो है अनुराग इज माय फ्रेंड, यहाँ ये भी लिख सकते थे अनुराग इज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन इस सेंटेंस में बार बार अनुराग का प्रयोग करने से हम लोगों का सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा लगने लगता है, अलग टाइप का लगता है, इसलिए वहां पर हमने जैसे कि बताया कि प्रोनाउन के बदले जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग, सॉरी, जिस नाम के बदले जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी अनुराग के बदले हमने इस सेंटेंस में किसका प्रयोग किया, ही का, किसका प्रयोग किया, ही का, या जो ही है नाउन, इस अनुराग जो है नाउन हो गया, अनुराग क्या आपका हो गया नाउन, लेकिन इसके बदले जो हमने वर्ड प्रयोग किया वह कौन सा वर्ड प्रयोग किया, ही, ही आपका क्या हो गया, प्रो
नाउन, यानी कहने का मतलब जैसे कि अपने डिफिनेशन में बताया था कि नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो उपयोग होता है, उसे हम लोग पर्यायवाची प्रोनाउन कहते हैं, यानी नाउन अनुराग जो है आपका नाउन, और जो इसके बदले जो हमने प्रयोग किया ही, वह ही जो वर्ड है वो गया आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसी तरह दिस इज अनवी, क्या है, दिस इज अनवी, अनवी यह क्या है, अनवी है, यह अनवी है, लेकिन अनवी के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, अनवी जो है क्या है, गर्ल है, तो गर्ल्स के लिए हम लोग यहाँ पर बॉय के लिए क्या करते हैं, ही, बॉय के लिए, मेल के लिए ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो अनवी हो गया वह क्या हो गए, फीमेल हो गए, यानी गर्ल्स, गर्ल्स के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, ही के स्थान पर सी का, यानी सी जो है वह क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या होगा, सी, सी इज डांसिंग, डांसिंग, यानी अनवी जो है आपका क्या है, इस सेंटेंस में नाउन है, और इसके बदले जो प्रयुक्त होने वाले वर्ड है वह कौन सा है, सी, यानी सी जो आपका क्या हो गया, प्रो नाउन हो गया, समझ आया, समझ गया आप लोग, यानी क्या हो गया, नाम के बदले, किसी भी नाम मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम के बदले जो हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे, उस नाम के बदले जो वर्ड प्रयोग करेंगे वही आपका वह सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एज ए प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इससे जुड़े आपको चैप्टर में जो कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, एक एक्सरसाइज देते हैं आपको घर से क्या करने के लिए, बनाने के लिए, आपको होमवर्क के रूप में आपको एक्सरसाइज देते हैं, चलिए तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे, आपका एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या, एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, अभ्यास करना, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, जो हमने पढ़ा, जो आपने हम जो सॉरी जो हमने आपको बताया उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, अपने अभ्यास करके अपने आप से बनाना होता है, तो चलिए हम उसको आपको समझा देते हैं, जिससे आप लोग क्या करेंगे, अपने घर पर होमवर्क के रूप में बनाएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट ए है, जो एक्सरसाइज है कहता है अंडर लाइन, अंडर लाइन द प्रोनाउंस, प्रो नाउंस इन द फ्लोइंग Growing sentences. जो कि आपके बुक में दिया गया है, क्या है, sentences sentences, यानी कहता है underline the pronouns in the flowing sentences, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, उस वाक्य में आपको क्या करना है, कुछ प्रोनाउन दिए गए सेंटेंस में, कुछ वर्ड जो कुछ वर्ड जो है वो क्या है, प्रोनाउंस है, उस प्रोनाउंस को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे देखेंगे हम लोग आपका जो फर्स्ट है, क्या है, दिस, टी एच आई एस, दिस इज, हीज, एच आई एस, हीज हाउस, एच ओ यू एस ई, यानी यह उसका घर है, दिस इज हाउस, दिस इज हीज हाउस, यह उसका घर है, यहाँ पर नाम का भी प्रयोग कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर इसके बदले अगर नाम का, जैसे दिस इज राम, यहाँ पर राम के बदले क्या होगा, राम नाम हो जाता है, या किसी का नाम होता तो वह नाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीज का प्रयोग किया, तो हीज आपका क्या है, प्रोनाउन है, यानी हीज इस तरह दिस, दिस भी क्या है, प्रोनाउन है, किसी वर्ड का प्रयोग करने के लिए, जैसे यहाँ बोलते हैं किसी वस्तु के लिए, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, कुर्सी है, तो यहाँ पर दिस क्या हो गया, उस चेयर को दर्शाता है, उसके चेयर के बदले दिस का प्रयोग किया जाता है, तो यह दिस जो है आपका प्रोनाउन हो गया, यहाँ पर हिज भी आपका क्या हो गया, एज अ प्रोनाउन हो गया। इस तरह आपको अपने चैप्टर में जो दिए गए सेंटेंस है, उस सेंटेंस को क्या करना है, आपको घर से अंडरलाइन करना है, कहता है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए वाक्य को आपको क्या करना है, सेंटेंस को, नीचे दिए गए सेंटेंस जो है उस सेंटेंस को आपको
अंडरलाइन, उसमें कुछ सेंटेंस में जो प्रोनाउंस है उस प्रोनाउंस को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो चलिए हम आपको दे देते हैं कुछ सेंटेंस। नेक्स्ट है वी आर फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। थर्ड जो है माही इज माई फ्रेंड, माही इज माई फ्रेंड। ही लाइक्स मैंगोज, ही लाइक्स मैंगोज। फोर्थ है सी इज अ क्लेवर गर्ल। फिफ्थ है ही प्लेज फुटबॉल, इस तरह आपको क्या करना है अपने घर पर इस एक्सरसाइज को बनाना है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या था। प्रोनाउन का डिफिनेशन था, प्रोनाउन इज ए वर्ड वी यूज प्ले इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या था, यानी प्रोनाउन वह वर्ड है, प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी नाउन के बदले, किसी नाउन के स्थान पर क्या कर देता है, उसके बदले प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बताया था हमने कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आई वी यू दे ही सी इट हिम हर दिस देम मी देयर माई हिज आर। ये सब क्या थे, प्रोनाउंस थे। उसी जरिए इस प्रोनाउंस को आप लोग अगर याद कर लेंगे तो उसी उस जो एग्जाम्पल बताए उसमें से कुछ इस सेंटेंस में भी आपको वर्ड दिए गए हैं, उस सेंटेंस को क्या करना है, सॉरी उस सेंटेंस में से उस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत। इस तरह आपको प्रोनाउंस अपने घर से होमवर्क के रूप में याद करना है और एक्सरसाइज को बनाकर लाना है, कोई दिक्कत। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपका है बी सी डी के बारे में बताएंगे, आप अपने घर पर पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसे हम अगले क्लास में आपको शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।